दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर उपसर्ग पढ़ रहे हैं और उपसर्ग की हमारी यह तीसरी क्लास है। इसके पहले उपसर्ग की दो क्लासेस हो चुकी हैं। क्लासेस थोड़ी सी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी बीच में, इसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ आपसे। अब क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। जो जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई बहुत छोटी सी परीक्षा हो या कोई बड़ी परीक्षा हो, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उन पूरे क्षेत्र को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मतलब हम लोग इनिशियल शुरुआती स्तर से शुरू करेंगे और जहाँ तक हो पाएगा संभव हमारा प्रयास, हम बहुत डीप जाकर इसकी स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। आपने दो क्लासेस में देखी होंगी कि कैसे आपका उपसर्ग की क्लास में संधि समास सब कुछ कवर होता हुआ चल रहा था। तत्सम तद्भव शब्द भी कवर करते हुए हम लोग चल रहे थे, तो कई टॉपिक एक साथ आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहे थे। बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एक एक उपसर्ग के बारे में। तो साथ में बने रहिए, इस क्लास को औरों तक भी शेयर कर दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता हो। अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ने में सुविधाजनक महसूस करते हो उनसे आप जुड़ सकते हैं। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन चाहते हैं किसी भी कोर्स में, SI की बैच में एडमिशन चाहते हैं, TT, सुपर TT, किसी भी बैच में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप वहाँ से जुड़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्लास को औरों तक शेयर कर दीजिए। अपने सुझाव को, अपने प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो निसंकोच प्रश्न पूछिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर चार उपसर्ग अपने कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने दुस के बारे में जाना था, फिर दुर के बारे में जाना था। दुस और दुर को बहुत सारे विद्वान एक ही कह देते हैं। फिर हम लोगों ने निस के बारे में जाना, फिर निर के बारे में जाना। निस और निर को भी बहुत सारे विद्वान एक ही कह देते हैं, इसलिए कई सारे विद्वान हैं जो 20 उपसर्ग मानते हैं, लेकिन तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 मानी जाती है, क्योंकि निस और निर एक उपसर्ग कह देते हैं, क्योंकि इनका अर्थ एक जैसा होता है, लेकिन इनसे होने वाले शब्दों का निर्माण अलग-अलग होता है। भले ही उनके अर्थ लगभग एक ही जैसे हों, फिर भी शब्द तो अलग-अलग ही बनते हैं। इस वजह से यहाँ पर अलग-अलग इनको उपसर्ग माना जाना चाहिए, इसलिए 22 उपसर्ग माने जाते हैं। ठीक है, तो उन सबको हमने देख लिया था। आज जो हमारा अगला उपसर्ग है वो है वी उपसर्ग, पांचवा उपसर्ग है ये। ठीक है, तो साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, वी उपसर्ग। ठीक है ना, अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि वी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत। भिन्न भी हो सकता है इसका अर्थ, इसका अर्थ विशेष भी हो सकता है, इसका अर्थ रहित भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके अर्थ हो जाएंगे। इसका अर्थ अति भी हो सकता है, तो इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे जैसा शब्द होगा वैसा इसका अर्थ बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पर हो गई अर्थ की बात। ठीक है ना, और इसमें समास कौन सा होगा अगर इसकी बात हम करें, तो यहां पर समास जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा प्रायः। है ठीक है ना, हमेशा नहीं होगा लेकिन ज्यादातर यहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है ना, अव्ययी भाव समास। मैंने आपको समास पढ़ाया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं। यहाँ पर मैंने सारे समासों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है ना, तो वहां से इसको जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दे दूंगा जो समास की क्लासेस हैं। ठीक है ना, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और यहां पर
अगर हम बात करें संधि कौन सी होगी, तो यहां पर अलग अलग संधियां होंगी, या तो संयोग भी हो सकता है या तो जुड़ेंगे सिर्फ शब्द, ठीक है ना। यहां पर शब्द जुड़ भी सकते हैं, दीर्घ संधि भी हो सकती है, यहां पर व्यंजन संधि भी हो सकती है। तो यहां पर वो अलग अलग स्थितियों में निर्भर करता है कि यहां पर क्या होगा, संधि होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो वी उपसर्ग के साथ जब कोई भी शब्द दिखे तो वहां पर संधि भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। संधि कौन कौन सी हो सकती है, या तो दीर्घ संधि होगी या व्यंजन संधि, ठीक है ना। जहां पर भी आपको वी उपसर्ग दिखे वहां पर या तो यह दोनों में से कोई एक होगा संधि, या फिर कोई भी संधि नहीं होगी, ठीक है ना, या फिर कोई भी संधि नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना आपको, वो अलग अलग स्थितियां हैं, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। और कैसा शब्द बनेगा, तत्सम शब्द बनेगा या तद्भव, तो आपको पता ही है कि वी उपसर्ग जो है यह तत्सम उपसर्ग है, और तत्सम उपसर्ग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ ही लगेगा, ठीक है ना। और जब किसी तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग लगेगा तो पूछने वाली बात है क्या भाई, यहां पर तत्सम उपसर्ग ही तत्सम शब्द ही बनेगा ना। तो वी उपसर्ग के जुड़ने से कैसा शब्द बनेगा, वी उपसर्ग के जुड़ने से तत्सम शब्द बनेगा, तत्सम शब्द, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। तो यह बातें हो गई यहां पर समास की, संधि की, और शब्द कैसा बनेगा उसकी, ठीक है ना। इसके ये अलग अलग अर्थ है, विपरीत है, अति है, रहित है, भिन्न है, शेष है, इसके कई सारे अर्थ हैं, अलग अलग शब्दों के हिसाब से इसके अर्थ बदलते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई इसकी, ठीक है ना। अब हम जो है इसके कुछ नियम है उसको भी यहां पर देख लेते हैं वी उपसर्ग के, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर यदि यहां पर स्वर हो, और कौन सा स्वर हो, यदि ऐसे लिखिए, पहला नियम क्या होगा वी उपसर्ग के जुड़ने का, यदि वी के बाद ई हो या बड़ी ई हो, इन दोनों दोनों में से कोई भी ई है तो क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां पर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो वी हो जाता है। अभी उदाहरण से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाता है, वी हो जाता है। अब पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उदाहरण से हम लोग इसको देख लेंगे। अच्छा, यहां पर ई हो या बड़ी ई हो, तब यहां पर वी हो जाएगा यदि यहां पर ई या ई को छोड़कर कोई और स्वर हो, यदि ई या ई के अलावा अन्य स्वर हो तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पर जो वी है ना वो क्या हो जाएगा, व और य, और साथ में जो स्वर है, स्वर की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा। बात आपको आई समझ में, अगर यहां नहीं समझ पाए हो तो निश्चिंत रहे, अभी उदाहरण से आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है ना। और जो तीसरी बात है, ये तो हो गई स्वरों की बात, और तीसरी बात क्या है, यदि व्यंजन हो, यदि वी के बाद बाद व्यंजन हो तो क्या होगा, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बात आपको आई समझ में, तो ये तीन नियम है वी उपसर्ग के जुड़ने के, ठीक है ना। अभी तीनों से जो उदाहरण बनेंगे, उन उदाहरणों को शब्द बनेंगे, उनको हम उदाहरण में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात का और यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब यहां पर
यदि वी हो, वी के बाद ई या ई आ जाए तो यहां पर वी हो जाता है, और जब यहां पर वी हो जाएगा तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना, दीर्घ संधि, ठीक है ना। और यहां पर अगर ई या ई के अलावा और कोई स्वर आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधा व के साथ या जुड़ जाएगा, और या में जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा यहां पर जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बातें हो जाएंगी। और यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ऐसी स्थिति जहां पर भी दिखे आपको आंख मूंद के या तो दीर्घ संधि लगा देना अगर ऐसी स्थिति दिखती है, और यदि इस तरह की स्थिति दिखती है तो यहां पर सीधा व्यंजन संधि कर देना है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर और कुछ नहीं देखना है। देखिए यहां पर संधि भी आपका कितने आसानी से कंप्लीट होता हुआ चल रहा है। मैंने संधि की क्लास में आपको सारी बातें बहुत डिटेल में बता दी हैं, उसको भी आप जाके यहां पर देख सकते हैं। सारी क्लासेस मैंने यहां पर कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक है ना। तो यह बातें हो गई संधि की, ठीक है ना। बाकी यहां पर संयोग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, मैं भी आपको बताऊंगा उदाहरण से कि कहां पर संयोग होगा, ठीक है ना। अब कुछ उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं हम, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर मैंने लिख दिया राज, मैंने लिख दिया राज। अब देखिए मैं इसके साथ अगर वी जोड़ दूं, वी उपसर्ग जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर रा है, ठीक है ना। और रा क्या है, व्यंजन है। और मैंने आपको क्या बताया भी, यदि व्यंजन हो तो कोई भी परिवर्तन यहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर रा जब व्यंजन है तो वी उपसर्ग लगाने के बाद क्या इसमें कोई परिवर्तन करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, विराज हो जाएगा, ठीक इसी तरह से। मान लिया मैंने लिख दिया रह, इसके साथ वी उपसर्ग मैंने जोड़ दिया, तो यह क्या हो जाएगा, विरह हो जाएगा। मैंने लिख दिया यहां पर पक्ष, उदाहरणों की कोई भी कमी यहां पर नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो भरपूर उदाहरण से इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। मैंने यहां पर लिख दिया पक्ष, और यहां पर वी उपसर्ग हमने जोड़ दिया, अब यह क्या हो जाएगा, विपक्ष। मैंने आपको बताया था वी का अर्थ क्या होता है, विपरीत भी होता है, और पक्ष यानी कि विपरीत पक्ष, एक पक्ष के सामने वाला जो पक्ष है विपरीत पक्ष को कहते हैं, ठीक है ना। तो यह बातें होंगी। मैंने यहां पर लिख दिया कल, और यहां पर मैंने लिख दिया वी। तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया, विकल यानी कि चयन रहित, जो भी व्याकुल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकल, ठीक है ना। तो कल मतलब क्या होता है, चैन, ठंडक, शांति, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर जिसको चैन ना हो, सुख ना हो, शांति ना हो, विकल हो जो, ठीक है ना। तो यहां पर यह विकल हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया भाग, अब भाग में जब मैंने वी जोड़ा तो आपने तुरंत देखा यहां पर कि यहां पर व्यंजन है, व्यंजन के साथ वी उपसर्ग लगेगा, तो यह क्या हो जाएगा, विभाग हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो गया, विभाग हो गया। और यहां पर सिर्फ संयोग हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी संधि नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है शब्दों का, वी का और कल का संयोग हुआ है, वी का भाग का संयोग हुआ है। संयोग और संधि में क्या अंतर है, सब बातें मैंने डिटेल में आपको बताई हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ यहां पर संयोग हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक और शब्द लिखता हूं यहां पर, मैंने लिखा जय, और इसके साथ मैंने वी उपसर्ग जोड़ दिया। जय का मतलब होता है जीत, विक्ट्री, ठीक है ना। अब यहां पर वी जुड़ गया तो क्या हो गया, विशेष जीत, विशेष प्रकार की जीत, ठीक है ना। क्योंकि वी का तो अर्थ विशेष भी होता है ना, तो देखिए यहां पर वी का अर्थ विशेष से लिया जा रहा है, यहां पर वी का अर्थ विशेष से लिया जा रहा है, विशेष भाग, ठीक है ना, विभाग, किसी भी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, उस कार्य के विशेष, उस किसी भी क्षेत्र के विशेष कार्य के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो विभाग, ठीक है ना। विकल यानी कि वी, यहां पर वी का क्या अर्थ है, रहित, ठीक है ना, बिना, ठीक है ना, कल रहित, जिसके पास कल ना हो, यहां पर वी का अर्थ है विपरीत, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं, तो यहां पर जैसा शब्द होगा वी का अर्थ उसी प्रकार परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर वी और जय मिलकर क्या हो जाएगा, विजय,
मतलब विशेष जय, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहां पर कुछ और उदाहरणों से हम इसको समझ लेते हैं कि मैंने यहां पर लिखा आस। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ई या ई के अलावा, इन दोनों के अलावा कोई और स्वर आ जाए और उसके साथ अगर वी उपसर्ग हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अध व के साथ या जुड़ेगा और उसके बाद यहां पर स्वर की जो मात्रा है वह जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर आस लिखा हुआ है और इसी के साथ मैं रंग थोड़ा सा बदल लेता हूं या फिर मिटा ही देता हूं इसको, ये सारे उदाहरण मिटा के मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है ना। अपने उदाहरणों को यहां पर देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा आस, यहां पर ई और ई के अलावा कोई भी स्वर, यानी कि यहां पर बड़ा आ गया, ठीक है ना, दीर्घ आ यहां पर आ गया और इसके साथ मैंने वी उपसर्ग लगा दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे ही ई या ई के अलावा कोई स्वर आया तो आपने क्या किया, आधा व और उसके साथ या जोड़ देंगे और उसके बाद स्वर की जो मात्रा है वह, ठीक है ना। तो जोड़िए यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी इसके स्थान पर अध व हो जाएगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा, य भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आ की मात्रा बड़ा आ है ना, तो इसकी क्या मात्रा है, इसकी एक की मात्रा होती है ना, आ की मात्रा होती है ना, बड़ा आ की मात्रा, तो यहां पर उसको जोड़ दीजिए और सा को ऐसे ही लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा यह, ठीक है ना, व्यास। और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अच्छा यहां पर व्यंजन शब्द ही देख लीजिए आप, यहां पर ये जो व्यंजन शब्द लिखा है इसी को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी धन अंजन, ठीक है ना, यही होगा ना भाई इसका संधि विच्छेद। तो यहां पर क्या है, वी धन अंजन, और यहां पर इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा वा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्वर है ना ई, और ई के अलावा कोई भी स्वर देख लेंगे हम, तो यहां पर ई या ई के अलावा कौन सा स्वर है, छोटा आ है, तो इसके साथ य जुड़ेगा और य में इस स्वर की मात्रा, इस स्वर में कोई मात्रा है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऊपर बिंदी है, बिंदी लगाइए और जन लिख दीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है ना, व्यंजन। बात आपको आ रही समझ में, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा अर्थ, और इसके साथ जब मैं वी उपसर्ग जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वी धन अर्थ या व्यर्थ हो जाएगा। अब समझाने की जरूरत है क्या कि यह व्यर्थ क्यों हो गया, व्यर्थ यानी कि अर्थ रहित, ठीक है ना। तो यहां पर वी का आधा वा हो गया और यहां पर चूंकि स्वर था ई और ई के अलावा कोई दूसरा स्वर, तो यहां पर य हो गया और यहां पर इस तरह से इसको हमने लिख दिया। बात आपको आई समझ में, मैं क्या कह रहा हूं। चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द और लिखता हूं मैं। मैंने लिखा यहां पर व्यवहार, रंग बदल लेता हूं, पेन का रंग बदल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर व्यवहार मैंने लिखा। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज रहते हैं और उनसे नहीं हो पाता है परीक्षा में। 95% लोग, 95% से ज्यादा लोग इसको गलत कराते हैं, निश्चित तौर पर इसको गलत कराते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है यहां पर इसका संधि विच्छेद कैसे करना है, ठीक है ना। और कई बार अगर इसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, वहां भी कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है। आप ऐसे ही देखकर इसको सामान्य तौर पर नहीं बता सकते जब तक आपने गहन अध्ययन नहीं किया है उपसर्ग का, ठीक है ना। व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है बमुश्किलन कुछ लोग बता पाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक उपसर्ग नहीं, यहां पर दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे, यहां पर वी धन अव धन हार, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर वी धन अव धन हार से मिलकर व्यवहार बना हुआ है, यहां पर वी उपसर्ग है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग भ्रमित रहेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि यहां पर वी उपसर्ग कहां से हो जाएगा, वी उपसर्ग कहां से है। अब देखिए यहां पर अव है ना, अव में अ क्या है, स्वर है ना। अब यह स्वर है तो यह आधा हो जाएगा और यह जुड़ जाएगा इसके साथ, आधा व और इसके साथ य जुड़ गया और य के साथ
इस स्वर की मात्रा, इस स्वर में कोई मात्रा है ही नहीं, तो यहां पर व हो जाएगा, तो व्यव और ये हार, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत आराम से आपको यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ भ्रमित कर देने वाला शब्द है, ठीक है ना। तो देखिए अभी इसी की तरह है, एक और शब्द मैं लिखता हूं, वहां पर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। यहां पर व्यवहार लिखा हुआ है, इसी को मैं दुर्व्यवहार कर देता हूं। अब देखिए यहां पर दो उपसर्ग लगे थे ना, अब वहां पर तीन तीन उपसर्गों की यहां पर उपस्थिति है, ठीक है ना। दुर्व्यवहार मैं लिखता हूं, चलिए यहां पर मैंने लिखा, पेन का रंग बदल लेते हैं, मैंने यहां पर लिखा दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, दुर उपसर्ग तो है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, दुर उपसर्ग है ही, और यहां पर व्यवहार का यह वी उपसर्ग भी तो है, वी और अव और क्या हार। अब यहां पर देख रहे हैं भ्रम का जो स्तर है वह क्या होने वाला है, कंफ्यूजन का जो लेबल है वह क्या होने वाला है, इसको आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। परीक्षा में अगर यह प्रश्न आ गया तो निश्चित तौर पे अधिक से अधिक संख्या में लोग इसको गलत करके आते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दुर्व्यवहार में तीन तीन उपसर्ग है। मान लिया परीक्षा में ऐसे ही कोई प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं, तो यहां पर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से परीक्षा का स्तर आजकल कठिन होता जा रहा है और यहां पर जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से यहां पर इसको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो और भ्रम यहां पर बना ही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी मिटा ही देते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो इसको औरों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हिंदी व्याकरण आपको यहां पर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत डीप जाके पढ़ाया जाएगा और एक एक टॉपिक आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो हमारा भी प्रोत्साहन होता है कि ज़्यादातर लोगों को हम लोग यहाँ पर लाभ पहुँचा पा रहे हैं, इसलिए क्लासेस को शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है ना। अपने प्रश्न, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी प्रश्न कर सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से जहाँ से भी सुविधा हो जुड़िए और प्रश्न करते रहिए, ठीक है ना। आप औरों तक पहुँचाइए जिसको भी इससे लाभ हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, व्याकरण ही शब्द ले लेते हैं अगर हम लोग, ठीक है ना, व्याकरण। अब यह भी बहुत भ्रमित करने वाला शब्द है। अगर यहां पर ही पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन होगा। देखिए यहां पर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ठीक है ना, दोनों है यहां पर, ठीक है ना। ऐसा ही शब्द कोई लिख दे आपसे और पूछ ले निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ठीक है ना, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। वहां पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाए, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया व्याकरण यहां पर लिखा, व्या लिखा हुआ है, तो यहां इसको देख के आप लग रहा है कि यहां पर छोटी ई की मात्रा होगी और यह आ गया होगा आ के कारण, ठीक है ना। तो यहां पर वी और इसके साथ क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा और यहां पे क्री धातु है, ठीक है ना। क्री धातु में क्या जुड़ गया है, अन जुड़ गया है। मैंने जब आपको संधि पढ़ाया था तो यह सब बातें मैंने आपको बताई थी। यहां पे क्या हो जाएगा, न क्या किस में बदल जाता है, ड में बदल जाता है और यह जो है कर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क और यह आ और री मिलकर र बन जाएगा, ठीक है। सब मैंने आपको बता रखा है जब संधि में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी, ठीक है ना। और यह जो है व्या हो जाएगा, व्या हो जाएगा और ये करण हो जाएगा, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, व्याकरण। बात आपको आई समझ में। तो यहां पर अन प्रत्यय है,
यह क्या है? प्रत्यय। और वी और आ यह दोनों क्या है? उपसर्ग है। तो यहां पर आप देख रहे हैं व्याकरण शब्द में क्या हो रहा है, यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो रहा है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। मैंने लिखा नायक, अब इसके साथ मैं वी उपसर्ग जोड़ दूं, ठीक है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, विनायक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर व्यंजन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विनायक, विशेष नायक, ठीक है ना, श्रेष्ठ नायक, विशेष नायक, जो भी आप कह लें, ठीक है ना। तो विनायक हो जाएगा। देखिए यहां पर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर उपसर्ग जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह विनायक हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक और भ्रम होता है, एक और कंफ्यूजन होगा आपको कि यहां पर संधि कौन सी होगी, ठीक है ना। आप यहां पर ऐसे देखकर लग रहा होगा कि यहां पर तो कोई संधि हुई नहीं, यहां पर संयोग, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर जब आप इसकी संधि करेंगे तो अयादि संधि होगी। देखिए जब आप विसर्ग जोड़ेंगे तो विधन नायक यहां पर आप लिखेंगे, लेकिन जब आप संधि करेंगे तो विनय धन अक, विनय धन अक आप करेंगे, ठीक है ना। इसकी संधि इस तरह से होगी, अगर विनायक का संधि विच्छेद करना हो आपको तो विनय धन अक होगा, ठीक है ना। और जब आप उपसर्ग जोड़ेंगे तो वी उपसर्ग नायक में आप जोड़ दीजिए, इस तरह से उपसर्ग में जोड़ा जाएगा, और संधि करनी हो तो विनय धन अक हो जाएगा। अब यह हो जाएगा विनायक, विनायक, ठीक है ना। अब यह कौन सी संधि है, अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था आय का जब उच्चारण हो तो वहां पर अयादि संधि होती है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में वो भी हमने चर्चा करी है, वहां पर जाके एक एक बिंदु को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उन सभी को आप जाकर देख सकते हैं, क्लासेस को प्लेलिस्ट में सभी पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहां पर विनायक हो गया। एक और शब्द हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा छेद और यहां पर मैंने वी उपसर्ग जोड़ दिया, अब क्या हो जाएगा, यह विच्छेद हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको संधि की क्लास में बताया था। यह चा कहां से आ गया, जब चा हो या छा हो और यहां पर छोटी ई या बड़ी ई हो, ठीक है ना, तो क्या होता था, यहां पर संधि के पहले यहां पर छोटी ई या बड़ी हो और उसके बाद छा, चा हो या छा हो, तो यहां पर क्या होता था, आधा चा और जुड़ जाता था, ठीक है ना। इसी वजह से यहां पर च जुड़ गया है, ठीक है ना, विच्छेद हो गया। इसका यहां पर वी उपसर्ग लगा हुआ है, वी उपसर्ग लगने की वजह से यह विच्छेद हो गया, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बहुत डिटेल में हमने वी उपसर्ग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। वी उपसर्ग हमने बहुत डिटेल में जाके देख लिया है, हर संभव क्षेत्र जो हो सकता है यहां से प्रश्न पूछने का उस सब को कवर कर लिया हमने। अब जो हमारा अगला उपसर्ग है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर छठा उपसर्ग है प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। तो प्रति का अर्थ हो जाएगा, साथ साथ में इसको लिखते हुए चलिए, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा इसका अर्थ, इसका एक अर्थ हो जाएगा विपरीत, इसका एक अर्थ हो जाएगा निषेध, इसका एक अर्थ हो जाएगा विशेष, विशेष, ठीक है ना। तो इसके कई अर्थ हो जाएंगे। एक और इसका अर्थ हो जाएगा सामने, अलग अलग शब्दों में इसका अलग अलग अर्थ होगा, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ क्या अर्थ होगा वह हम लोग बात कर लेंगे अभी उदाहरणों में, ठीक है ना। तो यह बातें हो गई इसके अर्थ की। अब यहां पर हम लोग बात कर लेंगे कि यहां पर समास या संधि कौन सी होगी। तो यहां पर समास कौन सा होगा, प्रायः यहां पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। बात आ रही समझ में, अव्ययी भाव समास यहां पर प्रायः होगा, ठीक है ना।
और यहां पर अगर हम संधि की बात करें तो यहां पर यण संधि भी हो सकती है, यहां पर दीर्घ संधि भी हो जाएगी और यहां पर व्यंजन संधि भी स्थिति पर निर्भर करता है, यहां पर कौन सी संधि है, ठीक है ना। इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, कौन सी संधि यहां पर है इस पर हम लोग बात कर लेंगे। और शब्द कौन सा बनेगा यह तो आपको पता ही है, तत्सम शब्द यहां पर बनेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए अब यहां पर इसके कुछ नियम है, उन नियमों को हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, यदि यहां पर व्यंजन है, सबसे पहले हम स्वरों की बात कर लें, ठीक है, कि यहां पर स्वर हो तो क्या होगा। देखिए यहां पर यदि पहला नियम क्या कहता है, यदि एक मिनट, यदि प्रति के बाद, प्रति के बाद ई या ई हो तो क्या होगा, यहां पर अगर ऐसा है तो यहां पर प्रति हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्रति हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो त पर छोटी की मात्रा थी ना यह बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी, ठीक है ना। और जब ऐसा होगा तो यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, सीधी सी बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। बात आई समझ में आपको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है यहां पर तो ई या ई आ गया तो यहां पर प्रति हो जाएगा, और यदि यहां पर क्या आ जाए, इसको छोड़कर कोई और स्वर आ जाए, यदि प्रति के बाद ई या ई के अलावा अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आधा ता, यह जो प्रति का ता है ना, यह आधा ता हो जाएगा और साथ में य जुड़ जाएगा, और जो स्वर होगा उसकी मात्रा, स्वर की मात्रा, और ऐसा होने के बाद यहां पर कौन सी संधि बनेगी, यण संधि। बात आपको आई समझ में, यण संधि, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अभी उदाहरण से भी हम इसको समझ लेंगे एक बार, ठीक है ना, निश्चिंत रहिए, अभी उदाहरण में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और यहां पर जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, यदि व्यंजन हो, किसके बाद, प्रति के बाद कोई व्यंजन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई एक मिनट, परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। बात आपको आई समझ में। और एक और नियम यहां पर हो जाएगा, नियम नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, प्रति अगर इसके बाद स्थ है, ठीक है ना, यह जो है शब्द लिखा हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यह परिवर्तित होकर इष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जब ऐसा यहां पर हुआ, यह परिवर्तन यहां पर हो जाएगा, जैसे प्रतिष्ठान, प्रतिधन स्थान यहां पर होता है तो अब प्रतिष्ठान हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, यहां पर संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। तो यह इसके कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब इन पर आधारित कुछ उदाहरणों को हम लोग यहां पर समझ देंगे, ठीक है ना।
जैसे यहां पर एक उदाहरण मैं लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा भा, और इसमें जब मैंने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो यह क्या हो गया, क्योंकि यहां पर व्यंजन है और व्यंजन होने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहां पर आपने नियम में देख लिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यह प्रतिभा हो जाएगा, प्रतिभा, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में? जैसे मैंने यहां पर लिखा कूल, ठीक है ना, तो यहां पर जब मैंने प्रति शब्द जोड़ा तो यह क्या हो गया, प्रतिकूल, ठीक है ना। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि यहां पर क्या है, व्यंजन है, प्रति कूल। जैसे मैंने लिखा ध्वनि, तो यहां पर प्रतिध्वनि, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, सीधा सीधा यहां पर संयोग हो गया इन शब्दों का, ठीक है ना। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब यहां पर ये तो हो गए व्यंजन के, ठीक है। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिखा घा, चलिए एक और व्यंजन का ही उदाहरण ले लेते हैं। व्यंजन अगर जुड़े तो क्या हो, यहां पर मैंने लिखा घात, और यहां पर मैंने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर व्यंजन है, कोई परिवर्तन नहीं, यह प्रति घात हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिमूर्ति, यहां पर मैंने लिखा मूर्ति, यहां पर जब प्रतिमूर्ति मैं लिखूंगा इसमें प्रति उपसर्ग जोड़कर तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, और यह जो है एज इट इज लिखा जाएगा, प्रतिमूर्ति हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिमूर्ति। बात आपको आई समझ में, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक इसी तरह से प्रतिदिन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, प्रति धन दिन, ठीक है ना। तो यहां पर प्रतिदिन हो जाएगा, कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर उपसर्ग ही जुड़ा हुआ है और यहां पर व्यंजन ही है, और इन सभी में क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो यहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर एक उदाहरण मैं लिख लेता हूं। मैंने लिखा यहां पर इक लिखा मैंने, ठीक है ना, यहां पर इक लिखा और इसके साथ मैंने प्रति जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ई है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, पीछे नियम याद करिए, यहां पर यही ना कि यहां पर ई या ई हो तो प्रति हो जाएगा, आ पर ई पर बड़ी की मात्रा, ता पर बड़ी की मात्रा यहां हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर वैसे भी संधि आपने पढ़ा होगा तो यहां पर छोटी ई और यह छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएंगे और दीर्घ संधि वहां पर होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतीक, और यहां पर संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में? जैसे मैंने लिखा इत लिखा और इसके साथ मैंने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया। अब इसके साथ जब मैंने प्रति उपसर्ग जोड़ा तो यहां पर छोटी की मात्रा है, यहां पर भी छोटी की मात्रा है, यह दोनों मिलकर क्या हो गए, प्रतीत हो गए, प्रतीत। बात आई समझ में आपको? तो यह भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। यहां पर बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा, एक और मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा बिंब, बिंब, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रति, इसके आगे अगर मैं जोड़ दूं तो प्रतिधन बिंब, प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है ना, प्रति बिंब, ठीक है ना। यहां पर एज इट इज यह जुड़ जाएगा क्योंकि यहां पर व्यंजन है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पर ई की मात्रा है, ठीक है ना। अब आ की मात्रा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही जो है उसके नियम के हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। इसका भी उदाहरण हम लोग यहां पर ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ई और ई को छोड़कर कोई दूसरा यहां पर अगर शब्द जो है स्वर लिखा हो, ठीक है ना। चलिए यहां पर मैंने लिख दिया एक, यहां पर तो ई या ई नहीं है, ठीक है ना। जब मैंने एक लिखा तो यहां पर प्रति उपसर्ग जोड़ने से मैंने क्या बताया, यहां पर ता आधा हो जाएगा और उसके साथ हिया जुड़ जाएगा यदि यहां पर क्या हो, ई या ई को छोड़कर कोई और स्वर हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्र, और यहां पर क्या हो जाएगा, आधा था, आधा ता, ठीक है ना, और साथ में या हो जाएगा और या में इस स्वर की मात्रा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रत्येक,
बात आपको आई समझ में? तो यहां पर ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर संधि कौन सी है आपकी, यहां पर आपकी जो संधि है वह यण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और यहां पर देखिए, मैं एक और लिखता हूं, ऊह लिखा मैंने, ऊह ऊह मतलब सेना होता है, ठीक है ना, ऊह माने सेना होती है। तो यहां पर मैंने प्रतिशब्द जब जोड़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह प्रतिधन ऊह, यहां पर ऊह है, ई या ई के अलावा कोई और स्वर है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यूह। बात आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ठीक इसी तरह से मैंने लिखा उत्तर, उत्तर लिखा और इसके साथ मैंने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, और जैसे ही प्रति उपसर्ग जोड़ा तो यहां पर ई या ई के अलावा कोई दूसरा स्वर था, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पर कुछ उदाहरणों से हम इसको समझ गए कि यहां पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर नियम में हमने क्या क्या पढ़ा था, नियम में यदि व्यंजन हो तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर हमने देखा था यदि ई की मात्रा हो तो क्या होगा, यहां पर ई या ई के अलावा कुछ हो तो क्या होगा, यहां पर हमने तीनों के उदाहरण भी देख लिए, अब हमारा बसता है प्रतिधन स्थिर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको खुद ही पता होगा, इसके खुद उदाहरण आप खुद हमको बता सकते हैं कि जो है क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने लिखा स्थान, मैंने लिखा स्थान और इसके साथ मैंने प्रति उपसर्ग जब जोड़ा तो यहां पर इस्त के जगह पर क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह परिवर्तन इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या उसके बाद प्रतिष्ठान। बात आई समझ में, ठीक है। इसी तरह से प्रतिष्ठा भी बनता है, ठीक है ना, प्रतिधन इस्था यहां पर लिखा था और यह परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह प्रतिष्ठा। बात आई समझ में आपको? तो यह इसके कुछ नियम हो गए और इसके कुछ उदाहरण जो आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई हमारी दो उपसर्गों की आज, और अगली क्लास में और भी हम लोग पिछली अगली क्लास में हम लोग थोड़ा ज्यादा उपसर्गों को एक साथ पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उपसर्ग को वहां पर जितनी जल्दी हो सकेगा एक दो क्लासेस में हम लोग जल्दी से आप कंप्लीट कर लेंगे। बहुत डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर इसको जान लिया है, कोई भी संभव प्रश्न यहाँ पे आपका छूट के नहीं जाएगा इसके बाद, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके उदाहरण हो गए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ तक आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है, हमने यहाँ पर प्रति उपसर्ग और वी उपसर्ग दो उपसर्ग आज की क्लास में देख लिए। अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज्यादा उपसर्गों को समझ पाए, पढ़ पाए, ठीक है ना। तीन चार उपसर्गों को कम से कम एक बार में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।